मुंबई के सुप्रसिद्ध गणपति के मूर्तिकार। इस सीरीज में मैं मिलूंगा कुछ मूर्तिकार से। अगर आप सभी लोग इन मूर्तिकारों की जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बाजू में बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि इस चैनल पर आने वाले नए वीडियोस आपको सबसे पहले देखने मिले। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है विमल शाह और आज हमारे साथ है मुंबई के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार में से एक माननीय श्री राजन खातू जी। नमस्कार। सो राजन जी, एज अ गणपति मूर्तिकार आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। हमारी वैसे जो मेरा गणपति व्यवसाय का जो प्रवास है हमारे पिताजी के साथ से शुरू हुआ। 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ उसी दिन उन्होंने पहली मूर्ति बनाई और तभी से ये जो शुरुआत है उसके बाद परंपरा चलती रह गई। मेरे बड़े भाई अभी वो गुजर गए लास्ट ईयर, उन्होंने पूरा ये गणपति का व्यवसाय पूरा हाथ में लिया और मैं और मेरे साथ मेरे दो भाई, हम चारों भाई मिल के सब ये करते थे। वैसे गणपति पिताजी तभी मेरे छोटी मूर्ति कम से कम 2,500 छोटी मूर्ति करते थे। वो टाइम में मैं 9 साल का था। 9 साल से मैं जैसे स्कूल में जाता था, जैसे आता स्कूल से आते ही मैं वो गणपति बाबा का चूहा वो निकाल के गणपति मट्टी ये करके दे के देना, वो यानी मट्टी में ही खेला वो। और वैसे ही मट्टी में खेलते खेलते ही पिताजी के साथ आगे हम सब भाई वो सीख के आगे आगे चल गए। सफ़र तो बहुत अच्छा चला, स्ट्रगल है, स्ट्रेस है, लेकिन बापा का आशीर्वाद से सब काम बराबर ठीक हो जाता है। आप जब गणपति की मूर्ति बनाते हो तो आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देते हो, गणपति की मूर्ति को या उसके पीछे लगे हुए प्रभावल को? ऑब्वियसली गणपति की मूर्ति को, क्योंकि गणपति की मूर्ति के ऊपर ही सब है ना। जो प्रभावल की कोई पूजा नहीं करते, गणपति बापा की मूर्ति की पूजा करते, तो ज़्यादा ध्यान मैं गणपति की मूर्ति पर ही देता हूँ। और जैसी मूर्ति अच्छी बन गई तो उसके पीछे कौन सी भी प्रभावल लगाइए वो मूर्ति एम्बोसी हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है सबसे बड़ी, जिसका अपन उत्सव करते हो बापा का करते, प्रभावल का नहीं करते। तो बापा इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, गणपति बापा, और मैं पूरा कॉन्सेंट्रेशन गणपति बापा की मूर्ति पर ही देता हूँ। मैंने खातू इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत सुना है, तो उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएं। खातू इंस्टीट्यूट में मेरे बड़े भाई विजय, उनके हाथ के नीचे काम करने वाले, हमारे वर्कशॉप में गणेश कार्यशाला में काम करने वाले जो स्टार्टिंग में जो आए थे वो सिर्फ मट्टी मल के देने वाले थे या हाथ के नीचे ऐसे काम करते थे, लेकिन मेरे भाई ने उनको ऊपर लिया, उनको टेक्निक सब सिखाया और उनको इतना ज़बरदस्त कला सिखाया ना कि वो बाद में उन्होंने खुद के वर्कशॉप डाले और ऐसे बहुत कलाकार उन्होंने तैयार किए कि आज पूरे बम्बई में जितने भी मूर्ति या मूर्तिकार है, मैक्स जो रियल मूर्तिकार छोड़ के, तो सबके पास जो गणपति की मूर्तियाँ है वो मेरे भाई के हाथ की है। और बहुत स्टाफ को उन्होंने है ना इंडिविजुअल खड़े किए है वो, और आज पूरा बम्बई या बम्बई के बाहर सूरत में भी बहुत सारे मूर्ति, अपना मध्य प्रदेश MP बुरहानपुर में जितने भी मूर्तियाँ है वो सब मेरे भाई के हाथ को ही, और बहुत कलाकार उन्होंने तैयार किए और ये कोई फ्री में काम उन्होंने किया है, कोई उसका कोई मुबदला नहीं लिया। और उनको खुशी होती थी
कि अरे आप अपने आपस काम करने वाला जो एक मूर्तिकार बन गया, उनको बहुत खुशियाँ होती थी। आप जो गणपति की मूर्ति बनाते हो उसमें एनाटॉमी और बैलेंसिंग, ये दोनों का कितना महत्व है? दोनों का महत्व बहुत है, क्योंकि बैलेंसिंग जॉब बहुत रिस्की रहता है और एनाटॉमी के हिसाब से जो फैब्रिकेशन है ना उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन और ध्यान देना पड़ता है। जरा भी कुछ प्रॉब्लम आ गया तो मूर्ति को दिक्कत आ सकती है। तो इसमें सब वेल्डिंग जॉब बहुत टेक्निक से काम करना पड़ता है और जो जैसे पोज है ना वो हिसाब से उसका वेल्डिंग और बैलेंसिंग वो समतोल पूरा एक करना पड़ता है। राजन जी, हर साल लगभग आपको कितनी गणपति की मूर्ति के ऑर्डर आते हैं? लगभग इससे रिक्वायरमेंट बहुत लोग आते हैं मंडल, लेकिन मैं लिमिटेड काम करता हूँ, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि लिमिटेड करके मूर्ति को सुबकता देना, ये मैं ज़्यादा इसी पर ध्यान देता हूँ। कम से कम अभी 7 साल पहले से भाई लोग सब साथ में थे, अभी हर एक का यूनिट अलग हुआ है, तभी हमारे पास 450 मूर्ति थी। अभी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से हमने अलग अलग, जैसे मेरे दो नंबर भाई उदय खातू, उन्होंने लालबाग में उनका यूनिट है, मेरा अलग यूनिट है, बड़े भाई का एक यूनिट अलग था, तो लगभग 450। अभी मेरे यूनिट में मैंने मूर्ति सब, मेरी मूर्ति बड़ी है, 16 फुट 18 फुट और ट्रॉली के ऊपर भी है, और लास्ट मेरी रेंज है 10 फीट की, तो सब मिला के मेरे पास 81 मूर्ति है। आप मिनिमम और मैक्सिमम कितने फीट की गणपति की मूर्ति बनाते हैं? मिनिमम 7 फीट से लेके 9 फीट 10 फीट 11 फीट 16 फीट और 22 फीट, जैसे मंडल की रिक्वायरमेंट है, वो एंड है 24 फीट का, क्योंकि 24 फीट इज द लास्ट है, क्योंकि जो ब्रिज है वो 25 फीट के है, तो इसीलिए जितनी भी बम्बई की मूर्ति है वो सब 23 और 24 के बीच में ही रहती है। मुंबई सिटी के अलावा और कौन सी सिटी या स्टेट्स में आपकी बनाई हुई गणपति की मूर्ति जाती है? मुंबई सिटी के अलावा सूरत में जाती है, कोल्हापुर, सातारा, नासिक और ये राजकोट, हैदराबाद और पुणे, यहाँ तक मेरी सब मूर्ति जाती है। आपके गणेश कार्यशाला में टोटल कितने वर्कर्स काम करते हैं? मेरे गणेश कार्यशाला में कम से कम लगभग 60 तक वर्कर काम करते हैं, लेकिन उसमें सब अलग अलग है, एक टीम वाइज ही जॉब रहता है, जैसे डायमी से गणपति निकालना, दूसरे फिनिशिंग वाले, दूसरे रहते पेंटिंग ग्रुप, पेंटिंग, ये सब लगभग सब मिला के टोटल यूनिट में 60 आदमी मेरे पास काम कर रहे हैं। आप गणपति के अलावा और कौन सी मूर्ति बनाते हैं? गणपति के अलावा जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज या माननीय बाबा साहेब अम्बेडकर जी या कोई भी, जो कोई हमारे पास कोई स्केच लेके आते हैं कि हमको ऐसी मूर्ति चाहिए, तो फिर वो फाइबर की मूर्ति ज़्यादा करके उन लोगों को लगती है परमानेंट रखने के लिए, वैसे जो भी कुछ भी रिक्वायरमेंट है हम काम करते हैं। हमारे व्यूअर्स में से या किसी गणपति मंडल को अगर आपको गणपति की मूर्ति का ऑर्डर देना हो तो साल में कौन से महीने से ऑर्डर लेना आप स्टार्ट करते हो और कभी बंद करते हो? ज़्यादा करके मैं अभी आप दो मिनट पहले आपको बोला था कि मैं लिमिटेड काम करता हूँ, तो वो हिसाब से मेरे पास माघी गणेश जन्म बोलते हैं, जिसको गणेश जी का जन्म होता है वो माघ गणपति बोलते हैं, वो फरवरी या जनवरी एंडिंग को आता है, वही टाइम में मेरे पास ज़्यादा करके 40% बुकिंग हो जाती है और जून 15 या 20-25 तारीख तक मेरे पास बुकिंग बंद हो जाती है। जैसे हम सबके फेवरेट मूर्तिकार राजन जी खातू है, तो राजन जी खातू के सबसे फेवरेट मूर्तिकार कौन है? सबसे फेवरेट मूर्तिकार अभी क्या बोलूँ आपको, मेरे बड़े भाई मेरे फेवरेट मूर्तिकार थे, क्योंकि उनके हाथ के नीचे ही हम सब सीख गए, उनकी जो कला, उनकी जो टेक्निक वो अलग ही थी, तो उनके सिवा मेरे को फेवरेट और कोई दिखता नहीं। और मेरे एक दोस्त है राजन झाड़, मूर्तिकार राजन झाड़, वो एक मेरे अच्छे दोस्त है, वो भी मेरे अच्छे फेवरेट मूर्तिकार जैसे ही है। राजन जी धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय मेरी चैनल के लिए निकाला और आपके वजह से मेरे व्यूअर्स को काफ़ी सारी जानकारी मिली है, उसके लिए धन्यवाद।